मेरा नाम विजय श्रीमंत गायकवाड़ है और मैं पुणे से ही हूँ। और गवाही मतलब आज तो बहुत ही अच्छा जीवन है मेरा, मुझे प्रभु पता है, अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है, उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज तो मैं जानता हूँ, सेविकाई करता हूँ प्रभु की। लेकिन इससे पहले जो मेरा जीवन था वो बहुत ही कठिन था, बहुत ही समस्याओं भरा था और पापमय जीवन में ज़्यादा कहना चाहता हूँ कि अगर आज मैं सोचूं उस मेरे जीवन के बारे में तो बहुत ही मुझे बुरा लगता है कि मैं कैसा जीवन जीता था। शराब पीना, गाली गलौज करना, झगड़ा करना, मारपीट करना और इन आदतों की वजह से मैंने मेरे जीवन के 24 घंटे लॉकअप में भी बिताए हैं। ऐसा मेरा जीवन था और मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन एक समय आया, क्योंकि जैसे वचन कहता है कि माता की गर्भ में ही मैंने तुमको चुना है, मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है, तो एक समय ऐसा आया कि अब कम समय में मुझे बताना है तो कि समय ऐसा आया कि प्रभु ने मुझे स्पर्श किया। 1 जनवरी 2005 को मैंने मेरा जीवन प्रभु को समर्पित किया, अपना उद्धारकर्ता करके उसको ग्रहण किया और मैंने जान लिया कि प्रभु ये उद्धार करता है। उसने अपने पवित्र लहू से धोकर मुझे शुद्ध किया और अपने राज्य के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। आज बहुत ही सुंदर और अच्छा जीवन मैं जी रहा हूँ। मेरा फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, 2 बेटियाँ हैं और बहुत ही अच्छा प्रभु के अनुग्रह में मेरा जीवन बीत रहा है। इसलिए प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रिसेप्ट मिनिस्ट्रीज़ के बारे में हमारी कलेसिया में हमें पता चला और सेमिनार रखा हुआ था और वहाँ से हमें पता चला कि मैरिज सेमिनार था। वहाँ पर हम आए थे, पति पत्नी हम लोग आए थे और जनरली हम लोग पवित्र शास्त्र में जो भी पढ़ते हैं समझ थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर जो स्टडीज़ था, स्टडीज़ में जो इतना डीपली हमें सिखाया गया कि कितना महत्व है एक पुरुष का, एक स्त्री का और कैसे परमेश्वर ने दोनों का निर्माण किया, किन हालातों में निर्माण किया, कैसे उनका इस्तेमाल किया, क्या क्या बातें प्रभु उनके साथ में करता था, इतनी और जो बॉन्डिंग था पति पत्नी का कितना सुंदर है, कितना मधुर है। प्रभु ने एक उस जो रिलेशन बनाया है पति पत्नी का, वो बातें बहुत ही इतने मन को छू गए, इतने अच्छे लगे। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु को जब से जाना 2005 में मैंने, तो तब से लेकर मतलब एक स्वभाव, जैसे मैंने कहा कि स्वभाव बदला हुआ था, अच्छा था सब कुछ, जो क्रोध भरा स्वभाव निकल गया था। तो प्रभु के अनुग्रह से एक हमारा अच्छा एक रिलेशनशिप था, पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग था। लेकिन और भी अधिक अच्छी इस स्टडी को जब हमने अटेंड किया दोनों ने मिलकर और भी गहराई से इसको जाना कि किस रीति से प्रभु काम करता है, कितना प्रेम, कितना प्रभु ने हमसे लगाव किया है, ये सारी बातें जब सिखाई गई, बहुत बातें हैं इतनी अच्छी रीति से हमको सीखने को मिले यहाँ पर, और भी हमारा जीवन आशीर्वादित हो गया, और भी ज़्यादा हमारे मन में एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान, प्रेम और भी बहुत ही अच्छा हो गया है, बढ़ गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस मिनिस्ट्री के लिए, धन्यवाद फिर से करता हूँ प्रभु का कि यह स्टडी प्रभु ने हमारे मध्य लाया है। जो भी स्टडीज़ के स्पीकर्स हैं, सेवक हैं, इतना दूर दूर से आकर प्रभु ने कितना हृदय में उनके कायलता दिया है, लोगों के पास ये स्टडी पहुंचाना है, इसे ये सेवा है, दूर दूर से आना, लोगों के मध्य सेवा करना। पास्टर जोसेफ है, उनके टीम है, सारी टीम है, मेरा तो उनसे मुलाकात हुआ था, ज़्यादा लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, तो बहुत ही सुंदर रीति से है ये सारी स्टडी और मैं सच में मेरा जीवन बहुत ही आशीर्वादित हुआ है इस स्टडी से, इंडक्टिव स्टडी से। निश्चय ही लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, क्योंकि नॉर्मली लोग, क्योंकि आप जैसा मैं हूँ, मैं वो समझता हूँ कि और भी लोग ऐसे हो गए कि पढ़ते हैं और आगे चले जाते हैं पढ़ते, लेकिन उसकी गहराई अगर पता चलना है हमको, क्या उसके पीछे का बैकग्राउंड है, उसकी पार्श्वभूमि क्या है, ये सारी बातें पता चले तो ये स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंसान कितना भी इग्नोर कर ले, आखिर वो इंसान है, लेकिन वो जो सोच विचार आते हैं विश्वासी होने के बाद भी, कोई भी ये नहीं कह सकता कि चलो मैं एकदम हूँ, ओके हूँ, कुछ हूँ। अगर वो ऐसा बोलता है तो वो अपने आप को फंसाता है। रास्ते पर चलते हो, बुरे विचार आएंगे, बुरे ख्याल आएंगे, क्रोध आएगा मन में, ईर्ष्या होगी, लेकिन इस इंडक्टिव स्टडी के माध्यम से अगर हम स्टडीज करेंगे, सारी बातें निकल जाएगी।
सारे एकदम कहता है ना कि पवित्रता का एक अनुभव हो जाएगा, बुरे विचार बुरे ख्याल सारे निकल जाएंगे। इतनी गहराई इस इंडक्टिव स्टडी में है। और निश्चय अगर पुणे में और भी कलेसिया में जा जाकर, जहाँ जहाँ पर कलेसिया है वहाँ पर जा जाकर वहाँ के पास्टर्स हैं सेवक हैं उनसे मिलकर इनकी चर्चा करें और भी अधिक कलेसिया में इनको लेकर जाए, तो निश्चय ही पुणे का जो भविष्य है वो चेंज हो जाएगा। If you'd like to get in touch, call us on 022-6533-3302 or email us at info@preceptindia.org. You can also find us on preceptindia.org. God bless you.